हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मुंह में घुल जाने वाली ये क्रश्ड पीनट चिक्की बनाना बहुत आसान है। मूंगफली का पाउडर किया, गुड़ की चाशनी में डाला और मिश्रण को स्प्रेड कर दिया, हो गया। तो चलिए वीडियो देखते हैं। मैंने यहाँ दो कटोरी मूंगफली को रोस्ट करके छिलके निकाल के उसका फाइन पाउडर बना लिया है। अब आगे की प्रोसीजर ध्यान से करेंगे तो चिक्की कभी भी फेल नहीं होगी, ना ही हार्ड बनेगी ना ही च्यूई बनेगी, एकदम परफेक्ट बनेगी। तो ये फाइन पाउडर हम साइड में रखते हैं और एक कढ़ाई में मैंने डेढ़ कटोरी गुड़ लिया है। दो कटोरी मूंगफली के सामने हम डेढ़ कटोरी गुड़ लेंगे और उसे लो फ्लेम पे चलाते हुए मेल्ट करेंगे। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए तो हम उसमें एक टीस्पून घी ऐड करेंगे। घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसे लो फ्लेम पे ही चलाते रहेंगे तब तक कि जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। 7-8 मिनट चलाने के बाद आप देख सकोगे कि इसका कलर चेंज होने लगा है। एक ड्रॉप प्लेट में लेंगे और ये हार्ड होने के बाद गिराने से मोतियों जैसी आवाज आने लगेगी, तो ये परफेक्ट है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और एक बार चला के मूंगफली का पाउडर इसमें ऐड कर देना है। फ्रेंड्स, ये चिक्की कैल्शियम, मिनरल्स, आयरन एंड प्रोटीन से रिच है, तो हम बच्चों को खिला के उन्हें हेल्दी बना सकते हैं। आप चाहो तो इसमें थोड़ा कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक ग्रीस की हुई क्लीन सरफेस पे इसे स्प्रेड कर लेंगे। ये मिश्रण जल्दी से ठंडा नहीं होता तो ये प्रोसीजर हम आराम से कर सकते हैं। अब हाथों में तेल लेके थोड़ा सा इसे शेप दे देंगे और बेलन से बेल लेंगे। क्योंकि ये बहुत गर्म होता है तो हम हाथों से ज्यादा स्प्रेड नहीं कर सकेंगे। चारों ओर से ऐसे शेप देते हुए हमें जितनी थिकनेस चाहिए उतनी थिकनेस में बेल लेंगे और इमीडिएटली इसमें नाइफ से कट मार्क्स लगा लेंगे। बाद में इसे एक घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करना, पहली बार में परफेक्ट बनेगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। अब ये ठंडा हो गया है तो इसके पीस करेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से इसके पीस निकल आते हैं और चिक्की का टेक्सचर और शाइन भी कितना परफेक्ट आया है। और जब हम इसे तोड़ते हैं तो एकदम कुकी की तरह टूट जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।